प्रदेश के नक्सल प्रभावित सुकमा जिला में सर्व आदिवासी समाज के आदिवासी मन सुकमा कलेक्टर ऊपर बेरुखी बरते के आरोप लगाई और कलेक्ट्रेट परिसर में धावा बोलत कलेक्टर ला हटाए के मांग करी। बता दें कि सर्व आदिवासी समाज के सुकमा इकाई ह मंगलवार के जिला में ग्रेड 3 और 4 के सरकारी नौकरी में स्थानीय लोगन ला 100% आरक्षण देहे नक्सली हुए के आरोप में जेल में बंद निर्दोष आदिवासी ला निष्पक्ष जांच के बाद बरी करे और आदिवासी के धर्म परिवर्तन में शामिल लोगन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे समेत 20 सूत्री मांग ल लेके कलेक्ट्रेट कार्यालय तक रैली निकाली। बाद में समाज के लोगन कलेक्टर कार्यालय परिसर में धावा बोल दी। प्रदर्शनकारी लोगन 2013 में एडिसमेटा गांव में पुलिस गोलीबारी में मारे गए लोगन और परिजन मन ल मुआवजा और नौकरी देहे और 3 नगर पंचायत सुकमा कोटा और दोरनापाल्ला वापस ग्राम पंचायत में परिवर्तित करना आदि मांग ले के रैली निकाल कलेक्टर कना मिले पहुँचे रही। सुकमा जिला के अधिकारी मन बताइन के कुछ लोगन जिला प्रशासन ल निशाना बनाए बर ये मुद्दा के राजनीतिकरण करे के कोशिश करत है।